जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी साहिब साहिब बंदगी साहिब साहिब बंदगी साहिब कभी कभी आप गहराई में किसी चीज का चिंतन करने लग जाते हैं। जब भी आपका ध्यान बड़ी गहराई में किसी जगह पहुंच जाता है, वो चीजें हो जाती है। इसका प्रमाण देता हूं, कभी कभी आप कंसंट्रेट होते हैं, आपको आभास होने लगता है कि कोई आदमी आने वाला है। उस आदमी ने आपको कोई सूचना नहीं दी है, कोई खबर नहीं दी है, लेकिन आपको पहले पता चल जाता है ये कंसंट्रेशन का शरीर नॉर्मल नहीं है। इसी कंसंट्रेशन के शरीर में न्यूटन पहुंच गया था। बड़े बड़े विद्वान बुद्धिजीवी इस बॉडी में पहुंच जाते हैं, कंसंट्रेशन के शरीर में पहुंच जाते हैं। कई खेल तब अपने अंदर के और दुनिया के देखने लगते हैं और कई चीजें। ये सब सपने नहीं है। ये जो दिव्य साधनाएं करने वाले हैं, कंसंट्रेट लोग हैं, उनको इसका पता चलता है कि ये सब चीजें हैं। इस कंसंट्रेशन के शरीर से, इसको कारण शरीर भी कहते हैं, आप बड़े काम कर रहे हैं। फ्यूचर को जब भी सोचना है तो आप कंसंट्रेशन की बॉडी में चले जाते हैं, आप उसमें प्रवेश ले लेते हैं। ये शरीर काफी एक्टिव है। योगी लोग भोजरी मुद्रा द्वारा आज्ञा चक्र में पूरा अपना कंसंट्रेशन रोक करके अपने को एक जीरो बनाते हैं, मसूर के दाने जितना पूरे शरीर का कंसंट्रेशन उस पॉइंट पर आ जाता है। ये कोरी कल्पना ही नहीं है, ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। जब साधक उसमें निकल जाता है, इस अवस्था से निकल जाता है, जागृति से निकल करके वो तुरिया या प्रज्ञा अवस्था में प्रवेश कर लेता है और उसी में बैठ करके पूरे ब्रह्मांड का खेल देखता है। इस पर कबीर साहब ने एक शब्द कहा, ये सब अवस्थाएं हैं। खसखस के दाने के अंदर शहर खुदा का बसता है। कष्ट करे ऐनों के तिल में, वहीं से उसका रास्ता है। भाई खसखस का दाना अत्यंत सूक्ष्म है, उसके अंदर में परमात्मा का शहर बसता है। नुक्ते के हेर फेर में खुदा से जुदा हुआ, नुक्ता पलट के एक किया तो खुद खुदा हुआ। सूफीवाद ने सिर्फ परमात्मा का प्रेम तो बोला ही बोला है, पर योग को भी इंगित किया है। संतत्व की धारा ने संसार को गुरुत्व की का प्रेम और समर्पण के साथ साथ में आंतरिक संसार का बोध दिया है, पर वहीं अटक जाना ऐसा नहीं कहा है। आप जब भी चाहें अपने अंदर का पूरा ब्रह्मांड देख सकते हैं, पर एक परफेक्ट मास्टर की आपको जरूरत पड़ेगी। ये घट मंदिर प्रेम का मत कोई बैठो धाय, जो कुछ कोई बैठे धाय के सो बिन सिर सेती जाए। तुलसी बिना करम किसी मुर्शिद रसीद के, राहे निजात दूर है उस पार देखना। देखना तो है ताकि दुश्वार है, मगर दुश्वार तो है दुश्वार देखना। कई योगी लोग इस शरीर में बैठते हैं, ये शरीर जब इस शरीर की प्राप्ति होती है, आप कहीं भी कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, इस दिव्य दृष्टि से आप उसको देख सकते हैं। इसी शरीर की अनुभूति संजय को कराई गई थी, उन्होंने इसी में बैठ करके पूरे ब्रह्मांड को देखा था। धृतराष्ट्र को संजय ने कुरुक्षेत्र का सैकड़ों मील दूर बैठ करके पूरा हाल बताया था। ये कल्पना थी क्या? ये कल्पना नहीं थी। कुछ अबूझे लोग जिनको इन शरीरों का ज्ञान नहीं है, कल्पना या मानसिक स्थिति बोल रहे, नहीं, ये मानसिक स्थिति नहीं है, ये यथार्थ स्थिति है। पर ये ब्रह्मांड वैसे है तो मन के अंदर, तीन लोग में जो कुछ आए वो सब रचना मन के माही, अलग चीज है, लेकिन ये सब चीजें हैं। जब ये दृष्टि यानी ये आंख आ जाती है, तीसरा तिल खुल जाता है, या महाकारण देही की प्राप्ति हो जाती है, तो साधक कहीं भी बैठ करके कुछ देख लेता है, उसको बड़ी जानकारियां प्राप्त हो जाती है। फ्यूचर में जो कुछ होने वाला है वो भी जान लेता है। भारतीय परा जगत में जितने भी रहस्य बोले गए हैं, कुछ भी गलत नहीं है, पर किसी की पहुंच कहां तक है, किसी की पहुंच कहां तक है, कोई खेसरी मुद्रा में, कोई भूसरी में, कोई चाचरी में, कोई अगोचरी में, कोई उन्मिनी में, कोई आदमी इनफॉर्मल तरीके से भी ध्यान भजन कर रहा है। बस वही एक बात हुई, एक दिन आगरा में मैं घूमने जा रहा था, तो एक रिक्शा में बैठा रिक्शा चालक
से जब मैंने थोड़ी बात की, वो अंग्रेजी भी बोलने लगा, तो मैंने कहा भाई पढ़े लिखे लग रहे हो, कहाँ तक पढ़े हो? बोला भाई साहब पढ़े लिखे तो कुछ भी नहीं है, मैं बोला बड़ी टॉप क्लास की अंग्रेजी बोल रहे हैं आप। बोला दरअसल ये है, बात यह है कि यहाँ आगरा में टूरिस्ट लोग काफ़ी आते हैं और वो सब अंग्रेजी बोलते हैं, 20-25 साल से रिक्शा चला रहा हूँ इसलिए अभ्यास हो गया है, काफ़ी अच्छी अंग्रेजी बोल लेता हूँ। मैं कहा लिखना भी आती है क्या? बोला नहीं। अगर उसको कहते वाट लिखो तो उसकी नानी भी तौबा कर लेना, WST वाट नहीं लिख सकता था वो, क्योंकि इनफॉर्मल तरीके से उसने अंग्रेजी सीखी थी, फॉर्मल तरीके से नहीं सीखी थी, ग्रामर क्या है बाकी चीज़ क्या है, लेकिन व्यवहार में उसको ये पता चल गया था कितना दूर है, कैसा क्या है और फलाना क्या है, वहाँ खास चीज़ क्या है। उससे जब टूरिस्ट लोगों ने ये क्वेश्चन किए थे उसको काफ़ी अनुभव हो गया था। तो कुछ लोग बिना गुरु के भी कंसंट्रेशन कर रहे हैं और कुछ अनुभूतियाँ वो भी कर रहे हैं। आप कंसंट्रेशन करेंगे, आप किसी जगह किसी किले को घूमने जा रहे हैं, आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा, लेकिन एक गाइड साथ में तो फॉर्मल तरीके से आपको उस किले की पूरी पूरी हिस्ट्री बता देगा, कैसा क्या चीज़ें, इसका सृजन कब हुआ था, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं और ये कब बना था, किसने बनाया था, इसका क्या मटेरियल है, ये पूरी चीज़ें और कितने साल हुए इसे बने हुए और कैसा क्या है उसका पूरा इतिहास एक गाइड आपको बताता, सब्सटेंस करता चलता है। तो एक अंतर है। इस तरह साहब कह रहे हैं हम इस दुनिया अंदर की दुनिया में गुरु के सानिध्य द्वारा ही जाएं तो ठीक है, अगर हम बिना सानिध्य के निकलते हैं तो कहीं भटकने का वाक्य हो सकता है। आइए हम देखते हैं। इस तरह इस अंतवाहक महाकारण शरीर द्वारा साधक बड़ी अनुभूतियां करते हैं, अनंत प्रकाश भी अपने अंदर देख लेते हैं, पर एक दायरे तक ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं, एक दायरे तक साधक लोग ले जा सकते हैं। आप देखिए ये हेलीकॉप्टर जो उड़ता है एक दायरे तक इसकी पहुंच है, एक क्षेत्रज तक वो जा सकता है, एक ऊंचाई तक जा सकता है, हेलीकॉप्टर कहीं चांद तक नहीं जा सकता है, पर उड़ना उसे आता है। इस तरह कुछ योगियों ने साधनाएं की हैं पर एक दायरे तक की है, एक सीमा तक की है। वो गलत थे ये नहीं कह रहे, कबीर साहब ने इन सब का बिल्कुल अच्छा विश्लेषण दिया है, किस मुद्रा द्वारा हम किन किन अवस्थाओं तक पहुंच सकते हैं। पंच मुद्राएं खेचरी भूचरी चाचरी उन्मुनी अगोचरी। कबीर साहब ने जितनी भी निर्गुण भक्ति है वर्तमान में भारतवर्ष के अंदर जितने भी बड़े बड़े मतांतर हैं वो पंच मुद्राओं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, यही इसी के इर्द गिर्द बात कर रहे हैं, विहंगम की ओर नहीं जा रहे हैं, वो मीन और पपील मार्ग की तरफ चल रहे हैं और बातें कर रहे हैं जरूर, लेकिन एक एरिया तक कर रहे हैं। आइए देखते हैं कबीर साहब ने इन पंच मुद्राओं के विषय में बहुत अच्छी तरह से अपने विचार रखे हैं। संतों सब शब्द है शब्द बखाना, ये शब्द मैं आपको पहले भी सुना चुका हूं, लेकिन देखते हैं कि इन मुद्राओं द्वारा साधक कौन कौन सी मूवमेंट द्वारा किस किस प्रकार से कहां कहां पहुंच जाता है, क्या क्या चीजों की अनुभूति वो अपने अंदर कर लेता है। क्या ये कल्पना है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल ये कल्पना नहीं है। आप देख रहे हैं आपके आपके शरीर में कुछ ऐसा स्नायु मंडल है जो भविष्य सोचने में सक्षम है, आपके शरीर में बड़े इनोसेंट सेल्स हैं जो आपको काफी जानकारियां भी दे रहे हैं, ये कोई साधारण चीजें नहीं है। तो वो कहां कहां क्या क्या चीजें वो जागरूक होने के बाद में अपने शरीर में आप किन किन चीजों की अनुभूति कर सकते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं योग के क्षेत्र में कबीर साहब को महान योगेश्वर के रूप में माना जाता है, कवियों में वो कवि प्रवर और महान कवि माना जाता है क्योंकि उनकी शैली बड़ी टॉप थी। समाज का ऐसा कोई अंग और पहलू नहीं है जिनको उन्होंने छुआ नहीं, उनकी वाणी में सार और रहस्य भरा पड़ा है, अत्यंत कम शब्दों में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें इंगित किया। कह रहे हैं संतों सब शब्द है शब्द बखाना, शब्द फांस फंसे सब कोई शब्द नहीं पहचाना, सभी नाम नाम शब्द शब्द कहे जा रहे हैं, शब्द ही निर्गुण शब्द ही सर्गुण शब्द ही वेद बखाना, शब्द ही पुन काया के अंदर कर बैठा अस्ताना, जो जिसकी उपासना किया उसका कहूं ठिकाना। वह बड़े पते की बात कर रहे हैं, बड़ा सम्यक ज्ञान था साहब के पास में। कह रहे हैं जो भी जिसकी उपासना किया जो भी जहां तक पहुंचा मैं उसका ठिकाना कहता हूं। आप सुने प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन पांच शब्द उच्चारा, सर्वशक्तिमान ने पहले पांच शब्द पुकारे, इस शब्द के द्वारा ही क्रिएशन हुआ। शब्द है धरती शब्द आकाश, शब्द है शब्द भया प्रकाश, सकल सृष्टि है शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घटाचे, शब्द से भयो सकल सुतन अवतारा, शब्द से भयो सकल विस्तारा। कबीर साहब भी कह रहे हैं, बाइबल भी कह रहे हैं, द वर्ड वॉज बिगनिंग वर्ड वॉज गॉड एंड गॉड वॉज वर्ड, ऑल थिंग्स आर मेड बाई हिम विदाउट हिम नो एनी थिंग। शब्द के द्वारा ही पूरा सृजन हुआ। वो शब्द क्या था? उन्होंने पांच शब्द पुकारे,
प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन पांच शब्द उच्चारा सोहं सत ज्योति निरंजन कहिए रणकार ओंकारा। पांच नाम पुकारे सोहं सत ज्योति निरंजन रणकार ओंकार। सोहं शब्द से वायु की उत्पत्ति हुई, ज्योति निरंजन से अग्नि तत्व की उत्पत्ति हुई, सत शब्द से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ओंकार से जल की उत्पत्ति हुई, रणकार से आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई। कह रहे हैं वो अव्यक्त इस तरह व्यक्त में आया, पहले निर्गुण में आया, शब्द ही निर्गुण शब्द ही सर्गुण, और पंच तत्व से पूरे ब्रह्मांड की रचना है। स्वर्ग आदि लोकों में भी आकाश पंचम तत्व का विशेष महत्व है। शब्द ही सर्गुण शब्द ही निर्गुण शब्द ही वेद बखाना, शब्द ही पुन काया के भीतर कर बैठा अस्ताना। कह रहे यही निर्गुण है यही सर्गुण है, जो जाकी उपासना की ना उसका कहूं ठिकाना। साहिब कह रहे जो जिसकी उपासना किया जिन जिन बिंदुओं तक गया उसका ठिकाना कहता हूं। सुने पहला नाम कह रहे हैं ज्योति निरंजन। ज्योति निरंजन चाचर मुद्रा सोहे नैनन माही, जिसको जाना गोरख योगी महातेज हैं ताही। गोरखनाथ जी प्रथम शब्द ज्योति निरंजन इसका स्मरण करते थे और दोनों आंखों के मध्य में तीसरा तिल है वहां कंसंट्रेट होते थे। अगर आप अपनी आंखों को यूं करके पुतलियों को मूवमेंट दें तो आप अपनी पुतलियों को भी अपने अंदर देख सकते हैं। दोनों पुतलियों को फंक्शनिंग करने वाला जो बिंदु है वो तीसरा तिल है, जो दोनों पुतलियों को एक्टिव कर रहा है। बड़ा इनोसेंट वो पॉइंट है, जब ये तीसरा तिल में ध्यान रुक जाता है। पुतली में तिल है, तिल में भरा राजकुल का कुल, उस पर्दे श्या के जरा उस पार देखना, देखना तो है तकी दुश्वार है मगर दुश्वार तो है ये दुश्वार देखना। बस करें वहां पर जीने तिल में सुरती जमा देते हैं तो एक अवस्था बन जाती है। कुछ लोग नासिका के अग्रभाग पर अपना कंसंट्रेशन एकाग्र करते हैं तो तीसरे तिल में जैसे ध्यान रोकते हैं, इसमें परफेक्ट थे गोरखनाथ जी, उसमें निद्रा भी नहीं आएगी, हमेशा जागता सोवता जो इस अवस्था को प्राप्त हो जाता है वो चलते उठते बैठते हमेशा उस सुपर कॉन्शियस में रहता है और कभी भी वो बिलो नहीं आता है, वो हमेशा होश में रहता है। कबीर साहब ने इस अवस्था के लिए ऐसे कहा, एक रंग में जो रहे ऐसा विरला कोए कबीरा, ऐसा विरला कोए, जो एक ही अवस्था में रहे। अब वो मन को थोड़ा यहां इस अवस्था में साधक समझने लग जाता है पर रहता वो मन के साथ ही है। आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर कि आपका मन से बड़ा कोई शत्रु भी नहीं है, तेरा बैरी कोई नहीं तेरा बैरी मन। इस अवस्था में कम से कम साधक काफी कंट्रोल हो जाता है, वो समझने लगता है शरीर से भी अलग हट करके मेरा वजूद है, पर इसमें शुद्ध आत्म साक्षात्कार नहीं है। इस अवस्था में पहुंचने के लिए भी साधक को इंडा पिंगला बुल्ला करना पड़ता है और सुषुम्ना में इसको इसमें भी प्रविष्ट होना पड़ता है। भाई पानी के अंदर भी तो लोग गोता लगाते हैं ना, एक कला है, जो तैरना जानता है सभी गोता लगाना नहीं जानते, तैरने वालों में से कुछ कुछ लोग गोता लगाने की कला जान जाते हैं, वो गोता लगा करके फिर पानी के अंदर अंदर प्रविष्ट होना सीख जाते हैं। इसी प्रकार से वो त्रिकालदर्शी भी हो जाते हैं, उनके अंदर बड़ा ज्ञान भी हो जाता है, वहीं बैठ करके दूर की चीजों को भी अनुभव कर लेते हैं, भविष्य को भी देख लेते हैं, दिल्ली में क्या हो रहा है यहां से कंसंट्रेट होकर के वो आपको बता देगा कि वहां ये घटनाएं हो रही है। आप सोचे इसका मतलब है इस पूरी दुनिया का एक रील बना हुआ है, इस पूरी दुनिया का एक टैप बना हुआ है। तो भाई नास्ट्रोडेमस और बूलवर वर्ग आदि ये जर्मन के जो भविष्यवक्ता थे इन्होंने कैसे कैसे बता दिया इस समय पर ये सब चीजें होगी। इसका मतलब है इस पूरी दुनिया का एक टेप बना हुआ है, जैसे कैसेट बनी हुई है, वीडियो कैसेट बनी हुई है, उसके अनुसार ये दुनिया चल रही है, उस टाइम पर ये होगा। और जब हम देख रहे हैं तो भविष्यवक्ता और इस समय दुनिया के बुद्धिजीवी ज्योतिषी स्वीकार कर रहे हैं कि बूलवर्ग और नास्ट्रोडेमस की 90% भविष्यवाणियां करेक्ट हो रही है, जो जो वो पहले बोल के गए हैं वो ठीक ठीक हो रही है। और बस इतना अंतर है, जैसे हमारे धर्मशास्त्रों में ऋग्मुख पर्वत है या अरावली पर्वत है, कोई और जगहों का स्थान का हस्तिनापुर है नाम है, वर्तमान में वो नाम चेंज हो गए, उन्होंने लोकेशन पार्टिकुलरली ये बताई हुई है ये घटना इस जगह पर होगी, क्योंकि वो काफी पहले उन्होंने भविष्यवाणियां की है, वो उन अवस्थाओं में बैठे। इन अवस्थाओं में स्वाभाविक मनुष्य जब पहुंच जाता है ये सब चीजें उसको ज्ञान आ जाता है, सब चीजें अनुभव होने लग जाती है। पर साहब कह रहे हैं समझ बड़े जब ध्यान धरे रस गगन गुफा में अजर झरे, जब हम कंसंट्रेट होकर के वहां बैठेंगे तब इन अवस्थाओं को हम अनुभव कर सकते हैं, अन्यथा हम आंतरिक इन चीजों को अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसके लिए भी एक फॉर्मल तरीके की जरूरत पड़ेगी। ये सब चीजें हैं,
इस अवस्था में साधक काफी ज्ञान आ जाता है, अष्ट सिद्धियां भी आ जाती है, वाक शक्तियां भी आ जाती है, जो कुछ कहो वो करने की क्षमता भी आ जाती है, जो सोचो कल्प सिद्धि भी आ जाएगी, और मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन ये शक्तियां भी आ जाएगी। अब देखिए, मौन शक्ति का प्रयोग किया था, ये दिव्यास्त्र और दिव्य शक्तियों का प्रयोग है। विराट युद्ध में अकेले अर्जुन ने पूरी कौरव सेना, जिसमें भीष्मपितामह, द्रोण आदि, कर्ण आदि बड़े बड़े बलवान भी थे, उनको सम्मोहन द्वारा मूर्छित कर दिया था, उनको किसी को भी होश नहीं था। ये सब चीजें होती है, इस पूरे एनवायरमेंट को भी चेंज किया जा सकता है। आप ये भी भूल सकते हैं कि आज दिन क्या है, आपसे पूछा जाएगा आप बोल नहीं पाएंगे, आपसे आपका नाम पूछा जाए तभी भी आप नहीं, त्राटक कर दिया जाए तो आप भूल जाएंगे, लेकिन इसके बाद आप पर एक असर पड़ जाएगा। इसलिए एक ज्ञानी आदमी ये चीज किसी पर नहीं करना चाहता है, जैसे कोई भी डॉक्टर किसी को बेहोश नहीं करना चाहता है, क्योंकि जब भी किसी को बेहोश किया जाता है तो उसके बाद बेहोशी का जो एक इफेक्ट है पूरी जिंदगी उसके जिस्म पर बना रहता है, और वो होश में आने के बाद भी होगा। आप में से कुछ लोग बेहोश हुए होंगे ऑपरेशन या किसी टाइम, आप देखना आपकी क्षमता ब्रेन की बड़ी कम हो गई होगी, ज्यादा धूप भी नहीं सह पाते होंगे और चक्कर आ जाता होगा। एक बहुत तगड़ा लड़का था हमारे साथ में, झुंझुनू का जगदीश चंद चौधरी, तो एक दिन चलते चलते गिर गया। तो मैंने उससे पूछा, भाई क्या बात हुई, तुम गिरे क्यों, बड़े तगड़े थे, धूप में, रोड मार्च में, सब चीजों में बड़ा मजबूत था। तब उसने कहा, गुरु जी मेरे पेट में एक फोड़ा था, उसका जब ऑपरेशन किया तो वो बाहर था, तो डॉक्टर ने मुझे बेहोश किया था, उसके बाद क्या हो गया है, फोड़ा तो बाहर था, सिर्फ दर्द ना हो इसके कारण से मुझे बेहोशी मिला है, उसके बाद क्या होता है मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं हो पाता हूँ, हालांकि ऑपरेशन किए हुए 2 साल है हुए हैं, उसके बाद क्या होता है टफ काम नहीं कर पाता हूँ, ज्यादा गर्मी हो तभी भी मुझे इफेक्ट पड़ता है, ज्यादा ब्रेन का वर्क भी नहीं कर पाता हूँ, यानी कुछ उसका सूक्ष्म असर मेरे ब्रेन पर पड़ गया है। यानी हर आदमी जो भी बेहोश होता है उसके बाद में चाहे होश में भी आता है, कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट उसके ऊपर रहता है। तो एक महात्मा जल्दी एक इन सब शक्तियों को किसी के विनाश के लिए इस्तेमाल नहीं करता है, जिसने भी इन शक्तियों का इस्तेमाल किसी को दुख देने के लिए कहा वही राक्षस हो गया, ठीक है। इसलिए एक महापुरुष हमेशा अपने अंदर की जितनी भी ताकतें हैं उनका प्रयोग केवल मनुष्य के कल्याण के लिए करता है, भले के लिए करता है। ठीक वैसा ही देखिए, जब अभी फांसी के ऊपर बातचीत हुई, कहा भाई फांसी ठीक है, अगर फांसी दी भी जाए, अगर किसी को मृत्युदंड देना भी है तो भाई ये फांसी जो है ये अच्छा प्रावधान नहीं है, कभी कभी फांसी पर लटके हुए आदमी का मलमूत्र भी बाहर आ जाता है, बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है, मारना ही है अगर उसका अपराध हुआ है तो, मार अगर आप मौत की सजा दे ही रहे तो कुछ ऐसा सिस्टम निकाला जाए, पीड़ा ना हो, इतना कष्ट ना हो, आंखें जीभ बाहर आ जाती है, कष्ट होता है, तड़पता है, मचलता है, मानवीय आधार पर यह पीड़ा असहनीय है, नहीं दी जाए। पर युगांडा का प्रेसिडेंट इदी अमीन जिसको भी मृत्युदंड देता था, बड़ा क्रूर था, हथौड़ों से चौराहे पर खड़ा करके तब उसको मारता था, मारने के बाद उसका लहू पीता था, कहता था ये अब अगले जन्म में मुझसे बदला नहीं ले पाएगा। लेकिन विश्व कभी भी ऐसे आक्रांताओं, ऐसे क्रूर शासकों को माफ नहीं कर पाता है, तो कहा भाई फांसी की सजा इस तरह दी जाए, मौत की सजा की पीड़ा ना हो। फिर उन्होंने फैसला किया पॉइजन का एक इंजेक्शन दे दिया जाए, जहर का एक इंजेक्शन देकर के आदमी को मारा जाए, धीरे धीरे स्लाइटली सोता जाएगा, मर जाएगा। पर मालूम है डॉक्टरों ने एक्सेप्ट नहीं किया, डॉक्टरों ने नकार दिया, बोला नहीं हमारी सुई जीवन देने के लिए है, हम कोई जल्लाद नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते हैं। डॉक्टरों ने बिल्कुल भी इसको नकार दिया, हम नहीं कर सकते ये काम। मेरे साहेब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है, मेरे साहेब की क्या शान है, मेरे साहेब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है, मेरे साहेब की क्या शान है। साहेब मेरा, मेरा साहेब मेरा।